नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल संसद में राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में अपना डेब्यू भाषण दिया। राहुल ने अपने करीब 90 मिनट के धुआंधार भाषण उन्होंने दिया, लेकिन उनके विस्फोटक स्पीच के कुछ हिस्सों को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ तो स्पीकर ने भाषण के कुछ अंशों को संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया। लेकिन स्पीकर की कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी घमासान से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि संसद में दिए गए भाषण के अंशों को हटाने पर क्यों भड़के राहुल गांधी। आपको बता दें कि भाषण के अंशों को एक्सपंज किए जाने से नाराज राहुल गांधी ने इस संबंध में स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन अंशों के फिर से बहाल करने की मांग की है। By showing an image, foot four कर बिहार का नहीं खुला है। मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है तो हाथ से। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली। राहुल गांधी ने कल संसद में नेता विपक्ष बनने के बाद पहली स्पीच दी। 90 मिनट के जोरदार भाषण में उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों का भी जिक्र किया जिस पर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कई बार उठकर उनके भाषणों पर एतराज जताया। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और शिवराज जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने भी राहुल गांधी के भाषण के अंशों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया, यानी हटा दिया गया। संसद में दिए गए भाषण के अंश हटाए जाने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी भड़क गए और कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को मिटाया नहीं जा सकता। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। दरअसल कल राहुल ने अपने भाषण में नीट विवाद और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा था, लेकिन आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आदेश के बाद राहुल के बयान के अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। इनमें एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी, उद्योगपतियों पर टिप्पणी, अग्निवीर स्कीम, नीट विवाद और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियों को हटाया गया है। भाषण के अंशों को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने पर राहुल गांधी ने विरोध जताया और उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इन अंशों को बहाल करने की मांग की है। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी में लिखा है कि मैं ये देखकर हैरान हूं कि किस तरह मेरे भाषण के काफी हिस्से को कार्यवाही से निकाल दिया गया। जो अंश हटाया गया है वो नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो बताना चाहता था वो जमीनी हकीकत और तथ्यात्मक रूप से सही है। सदन के प्रत्येक सदस्य जो जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में ये कहा है कि उनके जो भाषण है, हालांकि कुछ शब्दों का निकालना रूल के तहत समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से उनके स्पीच के, उनके भाषण के बड़े बड़े हिस्से निकाल दिए गए उसको लेके वो काफी स्तब्ध है। और उन्होंने ये मांग की कि स्पीकर जो है वापस वो हिस्से रिस्टोर करें। बहरहाल लगातार कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेके लामबंद है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को ध्वस्त किया उसको लेके सरकार तिलमिलाई हुई है और इसलिए राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी के स्पीकर को खत लिखने के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। बांसुरी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद में 3 मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी की, जिनमें किसानों को MSP और अग्निवीर को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा शामिल है। मैंने डायरेक्शन 115 के तहत नोटिस पेश करा है ऑनरेबल स्पीकर सर को, क्योंकि कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सदन में अपनी स्पीच में बहुत सारी इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स कही हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम में किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, ये सरासर गलत है। अग्निवीर स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक का कॉम्पनसेशन मिलता है अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो। राहुल गांधी के भाषण के हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटाने के बाद
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। राहुल गांधी की दुनिया में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, झूठ बोलो और यदि झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो, फैक्ट चेक हो जाता है तो विक्टिमहुड कार्ड खेलो। पहले तो राहुल गांधी जी, एक्सपंज किया गया है सच्चाई को, ट्रूथ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बातें आप तो कम से कम ना करें। लोकसभा जो सचिवालय है उन्होंने राहुल जी के भाषण के कुछ अंश हटाए हैं और किसी भी सदस्य के अधिकार होता है कि उसे रिस्टोर करने की मांग रख सकते हैं, तो उस तहत उन्होंने किया है और जो नियमावली है उसके अनुरूप की है। राहुल ने लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर अपने डेब्यू भाषण में सरकार पर जोरदार हमला किया है, लेकिन उसी भाषण के आधार पर सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिशों में है। अब इसमें किसको कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों पक्ष अपने धारदार तेवरों के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी के भाषण के अंश एक्सपंज किए जाने पर सियासी जंग भड़क गई है। ऐसे में एक बार फिर से एक्सपंज शब्द चर्चा में आ गया है और सवाल उठ रहा है कि आखिर भाषण के अंशों पर स्पीकर को कैची चलाने की नौबत आती ही क्यों है। तो हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद में भाषणों के अंश किन परिस्थितियों में हटाए जाते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पुष्कर शर्मा। लोकसभा के स्पीकर के पास आर्टिकल 380 में पावर होती है कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वर्ड को एक्सपंज कर सकते हैं वो अंडर 105 क्लॉज 2 ऑफ द रूल्स। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स या वर्ड्स जो इनडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो, डिफेमेटरी हो या अनपार्लियामेंट्री हो, उन सबको वो एक्सपंज कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है अनफेटर्ड, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती है। सिमिलरली स्टेट असेंबलीज के पास भी सेम पावर होती है, वो किसी भी ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्सपंज कर सकते हैं टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसमें कुछ पहले के जजमेंट्स भी हैं, जैसे 1958 का जजमेंट है पंडित MSM शर्मा वर्सेस कृष्ण सिन्हा, तो उसमें भी रेशियो में कोर्ट ने ये बोला है कि स्पीकर के पास ये पावर होती है कि किस स्टेटमेंट को वो रखना चाहते हैं या किस को वो एक्सपंज करना चाहते हैं। तो बेसिक आइडिया जो इसका है वो सिर्फ है कि टू कीप द हाउस इन ऑर्डर। सेम ऐसे ही पावर राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी है अंडर आर्टिकल 261 ऑफ द रूल। लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सांसदों को संसद में संसदीय आचरण का पाठ पढ़ाया। खास बात यह रही कि उन्होंने कल संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद अपने सांसदों को नसीहत दी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को क्या नसीहत दी। आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही सांसदों को राहुल जैसे आचरण से परहेज करने की सलाह दी। तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो सबसे पहले उनका भव्य स्वागत किया गया। एनडीए के घटक दलों के सांसदों ने तालियों के साथ पीएम का वेलकम किया। इसके बाद उन्हें माला पहनाई गई। पीएम ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ बैठक कर बातचीत की। बैठक में बीजेपी के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद भी शामिल रहे। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का एनडीए सांसदों को दिया गया ये पहला संबोधन था जिसमें पीएम मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। बैठक के दौरान पीएम ने सांसदों को बताया कि सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सांसदों को संसद में संसदीय आचरण का पालन करना चाहिए। वहीं मोदी ने सांसदों से संसदीय मुद्दों का अध्ययन करने की नसीहत दी है। साथ ही पीएम ने सांसदों को नियमित रूप से संसद की कार्यवाही में भाग लेने को भी कहा है और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने के लिए कहा। सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाए और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। बैठक के माध्यम से पीएम मोदी ने इशारों में एनडीए के सांसदों समेत और सांसदों को भी आचरण को लेकर नसीहतें दी। खासतौर पर पीएम ने सदन में सांसदों के व्यवहार को केंद्र में रखा और पीएम ने कहा कि अच्छे सांसद बनने के लिए जिस आचरण की जरूरत होती है उसे पूर्ण रूप से अपनाएं। वहीं पीएम ने हरेक सांसद को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखने के लिए कहा और सांसदों को विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए भी कहा। पहली बार मतलब एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है और तीसरी बार अपने को मतलब वो सत्ता में आने का मौका मिला है, जनाधार अपनी पार्टी में है। इसी तरह मतलब हमें पार्लियामेंट में हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उसकी जो इशू होती है उसको भी उठाना चाहिए, नियम के मुताबिक सभी ने काम करना चाहिए, उसी तरह की सूचना माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। पीएम की इस नसीहत की वजह कल लोकसभा में राहुल का भाषण था। लोकसभा में कल राहुल ने बीजेपी और मोदी पर हमले किए। राहुल ने ये तक कह दिया कि बीजेपी के अंदर डर का माहौल है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इस वाकये के बाद पीएम ने एनडीए के सांसदों को गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के अनुभव का लाभ हर एक सांसद को मिले, इस सोच के साथ आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक रखी गई थी। सत्ता पक्ष का मानना है कि राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह का व्यवहार किया, स्पीकर की तरफ पीठ की और उनका अपमान किया, ऐसा व्यवहार सदन में उचित नहीं था। ऐसे में सांसदों के सही व्यवहार के लिए पीएम मोदी ने सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें नसीहत दी कि एक सांसद को सदन में बोलते वक्त मर्यादा, आचरण और सदन के नियमों का पालन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल संसद में राहुल गांधी ने नेता विपक्ष की पहली इनिंग में धुआंधार स्पीच दी, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने हिंदुओं को लेकर भी टिप्पणी की जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे लपक लिया और राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताते हुए उनसे माफी की मांग की। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि संसद में राहुल के बयान पर क्यों छिड़ा सियासी घमासान। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष एक ओर जहां राहुल गांधी पर हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल राहुल के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये चार तस्वीरें अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की है, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद और जम्मू। बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कल लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं का जिक्र किया था, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर भड़क गई है और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जा रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आज अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया तो वहीं मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद और जम्मू में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं से बात पूछना चाहता हूं मैं, कांग्रेस के हिंदुओं से बात पूछना चाहता हूं, क्या वो हिंदू हैं? और यदि हिंदू हैं तो क्या वो हिंसक हैं? इस बात का जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए कि उन्हें हिंदू समाज को हिंसक कहा है, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? नहीं तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के खिलाफ हर जगह प्रदर्शन करने की बात कर रही है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है तो कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर मजबूती के साथ खड़ी है। ना नीट की बात होगी,
ना अग्निवीर की बात होगी। कल राहुल गांधी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण दिया था और पहले ही भाषण में उन्होंने तीखे तेवर के साथ सरकार पर हमला बोला। कल राहुल गांधी हिंदू और हिंसा का जिक्र कर रहे थे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल विपक्ष का सरकार को घेरने का दिन था, तो आज सरकार ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी के आरोपों का आज प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से और आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने संसद में खूब शोर शराबा किया। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है कि विपक्ष के आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया जवाब। तो आइए आपको सुनाते हैं संसद में प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए भाषण के अंश। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो थाबाजी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। संसद में कल राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर संतों ने नाराजगी जताई है। हिंदुओं पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर संतों ने एतराज जताया है और राहुल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राहुल के बयान से क्यों नाराज हुआ संत समाज। आइए आपको सुनाते हैं कि संत राहुल गांधी के बयान के बाद क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा कल समस्त हिंदू समाज का जो अपमान करने का काम किया गया, हिंदुओं को चोर और ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर ये राहुल गांधी ने पूरे देश के हिंदुओं का अपमानित किया है, उन्हें सारे हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं का अपमान, ये कोई ऐसे पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत कहा गया, ये एक प्रकार से विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राहुल के हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तो इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया, जबकि विपक्षी दलों ने राहुल के बयान का समर्थन किया। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राहुल का बयान क्या बन रहा है बड़ा सियासी मुद्दा, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। बतौर नेता विपक्ष ये राहुल गांधी का पहला भाषण जरूर था, लेकिन इसने राजनीतिक सुर्खियां खूब बटोरी। जहां विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, इसे ऐतिहासिक भाषण बता रहा है, वहीं सत्ताधारी एनडीए और बीजेपी इसे संसद का अपमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से नेता विपक्ष का आचरण संसद के अंदर होना चाहिए था, उस तरीके का आचरण राहुल गांधी ने नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ निजी टिप्पणियां की, बल्कि साथ ही साथ कुछ समुदाय विशेष पर भी की गई टिप्पणियों को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ऐतराज है, और इसी को लेकर उसने एक व्यापक रणनीति बनाई है। खासतौर पर बीजेपी का युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा एक देशव्यापी अभियान चलाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।